Rahim, students. As you know that we are discussing the level of organization. Now we will discuss our next level of organization, which is the individual level. Okay, students. As we have discussed earlier about the different organs and organ systems. Now, how these organs and organ systems are assembled together? Now we will discuss this today. So different organs and organ systems organized together to form an individual or an organism. Then, in organism, the functions, processes, activities of various organs and organ systems are coordinated. It means that. आपके जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें जो फंक्शंस प्रोसेस एक्टिविटीज होती हैं ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स की वो कोऑर्डिनेटेड होती हैं दे वर्क टूगैदर इसकी यहाँ पे एक मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू आपको क्लियर कर दूँ फॉर एग्जाम्पल वेन अ मैन इज इंगेज इन कंटिन्यूज हार्ड एक्सरसाइज नॉट ओनली हिज मसल्स आर वर्किंग बट there is also increase in the rate of respiration and heartbeat as well. it means मीन्स के जब आप hard exercise करते हो ना आपका muscular system workout कर रहा होता है but आपका जो रिस्पायरेशन का प्रोसेस है वो भी एक करता है और आपका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसका भी फंक्शन परफॉर्म हो रहा है हार्ट बीट इंक्रीज हो रही है वाई इज दैट वायर द रेट ऑफ रिस्पायरेशन एंड द हार्ट बीट इंक्रीज इट इज़ बिकॉज

को वर्कआउट करना पड़ता है तो देन आपके मसल्स को ऑक्सीजन एंड फूड की मैक्सिमम अमाउंट की रिक्वायरमेंट होती है सो इट कम्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन एंड इंक्रीज रेट ऑफ दी हार्ट बीट तो आपके जो मसल्स हैं वो कंटिन्यूस वर्क करते हैं एज यू कैन सी इन द डायग्राम इन दिस डायग्राम ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स असेंबल टुगेदर एंड दे फॉर्म एन इंडिविजुअल और ऑर्गेनिज्म ओके स्टूडेंट्स नाउ वी विल डिस्कस दॉपुलेशन लेवल सो स्टूडेंट्स बायोलॉजि स्टडी इंट्रैक्शन एम अ मेम्बर ऑफ द सेम स्पीशीज लिविंग इन द सेम हैबिटेट इट मीन्स कि जो बायोलॉजिस्ट हैं उन्होंने सेम स्पीशीज जो कि सेम हैबिटेट को ऑक्यूपाई करती हैं उनकी इंट्रैक्शन को उसने स्टडी किया है अब क्वेश्चनराइज होता है वट आर स्पीशीज एंड वट आर हैबिटेट so a species is defined as a group of the organisms capable of interbreeding and producing fertile offsprings it means a group of the same kind of organisms they form the species so is group of organisms interbreeding what is the meaning of the interbreeding interbreeding means reproduction then वो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करते हैं फर्टाइल मींस ऐसे ऑर्गेनिजम्स ऐसे ऑफस्प्रिंग्स जो कि जिनके अंदर एबिलिटी होती है रिप्रोडक्शन की विच हैव द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस सो नाउ क्वेश्चन राइजेस व्हाट इज़ द हैबिटेट हैबिटेट मींस द एरिया ऑफ द एनवायरनमेंट इन व्हिच ऑर्गेनिज्म लिव्स आपका वो एरिया जिसमें ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं सेम स्पीशीज के ऑर्गेनिजम्स उगनी, उन एरिया को ऑक्यूपाई करते हैं दैट area is known as the habitat okay students now we will come to our main definition main topic which is the population so a population is defined as a group of organisms of same species same kind of species same kind of organisms located at the same place in the same time that मेक् सी पापुलेशन इट मीन्स कि आपके जो ग्रुप होते हैं ऑर्गेनिज्म का जो ग्रुप है जिनकी सेम स्पीशीज़ होती हैं जो कि सेम प्लेस और सेम टाइम में प्रेजेंट होती है दैट इज़ कॉल्ड दी पॉपुलेशन फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन पॉपुलेशन इन पाकिस्तान इन टू थाउजेंड टेन कंप्राइज ऑफ वन सेवेंटी थ्री पॉइंट फाइव मिलियन इंडिविजुअल्स विच इज़ इंक्रीजिंग डे बाई डे इट मीन्स के फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो आपकी ह्यूमन जो हैं ह्यूमन बींग्स हैं ये स्पीशीज़ हैं ना सेम काइंड की और ये आपके जो पाकिस्तान में एरिया को ऑक्यूपाई करती हैं और एट द सेम टाइम ये आपकी पॉपुलेशन बनाती है और इन 2010 ह्यूमन पॉपुलेशन in pakistan in 2010 comprises of 173.5 millions of individuals according to the ministry of population welfare government of pakistan which is increasing day by day so individuals same kind of individuals assemble together to form the population which are living at the same place in the same time